नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब आज की क्लास बाकी क्लासों से थोड़ी जो है अपनी शॉर्ट होने वाली है बाकी सारी क्लासेस से। कारण यह है कि अभी जो है इलेक्शन की बहुत जबरदस्त भागदौड़ है और ड्यूटियां चल रही है। अब कुछ बच्चे जो प्रथम चरण में जहां इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं तो उनको वही नजरिया दिख रहा है, गुरु जी अब तो इलेक्शन पूरे हो गए, अब तो क्लास का टाइम बढ़ाओ, ये करो वो करो। तो भैया ऐसा है कि सबसे पहली बात कि राजस्थान में इलेक्शन दो चरणों में है इस बार, और दूसरे चरण में हमारे वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो अभी जो है मतलब बराबर भागदौड़ चल रही है, लेकिन इसके साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू रहे, ये भी चीज जो है अपनी चलती रहे। तो आज की क्लास बाकी क्लासेस से शॉर्ट होने वाली है थोड़ी, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, क्योंकि आज की क्लास के बाद में आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित तथ्य जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। और कल आने वाली जो क्लास है अंतर्राज्यीय सीमा वाली वो इससे थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे अपन 5 राज्य पढ़ने वाले हैं, उनकी सीमाएं देखने वाले हैं और उससे संबंधित ट्रिक देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी वो यदि नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि नए जिलों का जितना गणित है ना वो इससे पहले वाली यानी कि नंबर 9, ये तो है अपनी 10वीं क्लास है, और नंबर 9 वाली क्लास जो थी उसके अंदर मैं पूरी गणित क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, कि हाँ कैसे जिले कहाँ बन रहे हैं कैसे है सब कुछ, अंतर्वर्ती वगैरह सब बता दिया। अब वो नए जो स्टूडेंट बिल्कुल देखेंगे तो उनके लिए थोड़ी जिलों के गणित से संबंधित चीजें समझनी थोड़ी जो है कठिन रहती है, लेकिन एक से दूसरी बार आप देख लेना तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जितना आसान हो सकता है उतना आसान मैंने बनाया है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें, थंबनेल वैसे बहुत बढ़िया और सटीक बना है, प्यारा सा बना है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपन मैप का भी उपयोग करेंगे, अपन ट्रिक का भी उपयोग करेंगे और अपन डायरेक्ट भी चीजें देखेंगे। तो आप लोगों को जो पैटर्न सूट करे आप उसमें से उस पैटर्न के अनुसार याद कर लें, मैं सारे के सारे पैटर्न आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले अपने को कुछ चीजें रिकॉल करनी है, जैसे कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी थी, ये आपने को पहले थोड़ा सा वापस ध्यान में कर लेना। राजस्थान की कुल सीमा कितनी थी, 5920 किलोमीटर थी, ठीक है, 5920 थी, ये दो टुकड़ों में, 4850 प्लस 1070। अब ये याद रखनी ही रखनी है, इस तरीके से अपनी कुल सीमा थी 5920, 4850 जो है अंतरराज्यीय सीमा जो राज्यों से बनाती है, 1070 कौन सी है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो एकमात्र देश पाकिस्तान से बनती है अपनी, ठीक है, और उसे कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। यानी कि सिर्फ राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा छूने वाली रेडक्लिफ नहीं कहलाती, राजस्थान को छोड़ो आप बाकी जो भारत के और भी है जैसे कि गुजरात है पंजाब है, ये भी जो सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से छूने वाली सारी जो है सीमा अपनी रेडक्लिफ के नाम से ही जानी जाती है। अब कैसे रेडक्लिफ नाम पड़ा और उसका क्या कब विभाजन हुआ और ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो है बेसिक देखें। तो यहाँ पे ये रिकॉल हो गया वापस, 5920, 4850 और 1070, ये याद रखने ही रखने हैं, सीधे बनने वाले प्रश्न है, ठीक है। अब अपने आज जो पढ़ना है वो स्पेशली अपनी क्या है, ये यहां से शुरू होकर ये रेड कर लेता हूं मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि हाँ अपन जो पढ़ रहे हैं वो ये है, ठीक है, यहां से शुरू होकर ये जो है ये अपनी जो है रेड क्लिफ है। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब ये है कितनी, 1070 किलोमीटर राजस्थान की, कौन से देश से बनती है ये, तो ये बनती है पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली 1070 किलोमीटर रेखा। अब यहां पे आओ वापस के, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, देखो चीजें जो है बिल्कुल ध्यान से देखो और सारी चीजें यहीं समझने वाली है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 किलोमीटर। दूसरा ये जाती है कि किससे बनती है, तो अपने बनती है पाकिस्तान से, किससे बनती है पाकिस्तान से। तीसरी चीज आती है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। अब यदि अपन बात करें कि ये शुरू कहां से होती है और खत्म कहां होती है, तो यहां श्रीगंगानगर, ये कौन सा क्षेत्र है, ये यहां पे ये स्थान अपन देखें तो ये है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर का भी अपने स्पेशल ध्यान रखना है, जहां से शुरू होती है हिंदू मलकोट, हिंदू मल कोट, ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाने वाली है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, हिंदू मल कोट श्रीगंगानगर, यहां से शुरू होकर ये यहां पे जो ये पॉइंट है ये है इसका सागढ़, ठीक है,
क्या है? सागर। और है कहां? बढ़ाना यानी कि बाड़मेर। सागर कहां है? बाड़मेर। अच्छा, सागर तो जैसे तहसील हो गई, अब इसमें भी स्पेशल गांव पूछ ले तो यहां पे इसका नाम है बागल गांव, बल गांव भी कह देते हैं कई बार, बागल गांव। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये ध्यान में रखने हैं। कैसे ध्यान में रखोगे? हिंदू शाह नाम से ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? हिंदू शाह पाक चले। क्या? हिंदू शाह पाक चले यानी कि हिंदू मल कोट से शुरू होगी। हिंदू शाह, हिंदू और शाह, सागर तक आएगी, हिंदू मल कोट से सागर तक। हिंदू शाह पाक चले, ठीक है, कहां चले? हिंदू शाह, हिंदू शाह पाक चले। तो ये यहां से और यहां तक ये जो सीमा बनेगी ये आपके है अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, जो बनती है पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय 1070 किलोमीटर। ठीक है, एक ही देश से बनाते हैं अपने, अपना राजस्थान जो है एक ही देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये चीजें यहां पे क्लियर होगी। ये भी आपको पॉइंट लगा के लिखना है साथ में कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदू मल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर के सागर तक मानी जाती है। ठीक है, ये चीज इस तरीके से मेंशन कर लेनी है। अब रही बात के साथ साथ में अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय कितनी है? 4,850 किलोमीटर। और कितने राज्यों के साथ में? 5 राज्यों के साथ। तो ये थोड़ा सा ये अंतरराज्यीय सीमा वाला कल जो है अपन और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा कल पढ़ भी लिया था अपन ने, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो अभी क्लासेस आ रही है ये नए अपडेट के साथ में, यानी कि अब जो मेजर चेंज जो हुए, जो ध्यान में रखने अपन को, नई ज्योग्राफी, नई ज्योग्राफी बहुत सारा हवा बना हुआ है, उसको अपन शांत करें यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये भी चीज देखें कि अपन अभी काउंट करेंगे कि कितने जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने बनाते हैं, पाकिस्तान के कितने बनाते हैं, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो देखो राजस्थान के शुरू करेंगे तो नंबर 1 यहां से श्रीगंगानगर शुरू हो रहा है, नंबर 2 यहां से, ठीक है, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 फलोदी, नंबर 5 जैसलमेर और नंबर 6 बाड़मेर। ठीक है, ये सीमाएं बनाएंगे। अब फलोदी वाला सस्पेंस जो है वो मैंने कल की क्लास में आप लोगों के क्लियर कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मान लो सरकार कह दे, सरकार खुद स्पष्ट करे कि हाँ भाई फलोदी नहीं बनाएगी, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करना होगा? यहाँ पे 6 की जगह अपने को 5 करने होंगे, इसके अलावा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो इतना हवा बना हुआ ना, अरे वो फलाना ऐसे पढ़ा रहा है, ये ऐसे पढ़ा रहा है, वहां पे फलोदी के साथ सीमा बनानी बता दी, यहाँ पे नहीं बताई, वो कुछ नहीं बदलना, सिर्फ 5 या 6 विवादित प्रश्न आएगा ही नहीं एग्जाम में। क्या होगा? 6 की जगह या तो 5 होगा या ये। तो यहाँ पे उलझने की जरूरत नहीं है, इस चीज को दिमाग में क्लियर रखना है कि ये चीज जो है फ्लेक्सिबल है। किस कारण है? क्योंकि आगे से डेटा क्लियर नहीं हुए हैं। जितना इस मामले में फ्लेक्सिबल रहोगे, बाकी कोई भूगोल बदलने वाला नहीं है इस फलोदी के सीमा छूने या नहीं छूने से। ठीक है, सिर्फ काउंटिंग बदलेगी बस, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र जो है वो बदलेगा, यहाँ पे छूता है इसका। ठीक है, समझ गए? एक देखो मैं आप ही चीज देखूंगे जरा क्या है कि देखो जिससे पढ़ रहे हो, जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं तो कई बच्चे मस्का लगाने के लिए जो है, सर फलानी कोचिंग में तो ऐसे पढ़ा दिया, वो तो फर्जी है, ऐसे है, वो गलत है, ये गलत है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकिन वो तो ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। देखो मेरे से पढ़ो, आप दिल खोल के पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा भी दिल खोल के, लेकिन अपने यहाँ पे एक सीधा सा सिद्धांत ये है, आप मुझे अच्छा साबित करने के लिए यानी मेरे से पढ़ने के लिए और मुझे अच्छा चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो भी कहो, इसके लिए आप दूसरे शिक्षकों की बुराई नहीं करें। ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है बहुत मेहनत करके पढ़ाता है, चाहे वो कोचिंग से पढ़ा रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है, चाहे कैसे पढ़ा रहा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी। तो आप अच्छे स्टूडेंट बने सबसे पहले, किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं करनी। आज दिन तक यदि आप लोगों को मेरी किसी भी क्लास में मैंने किसी शिक्षक की बुराई की हो और आप लोगों को वो दिखे, तब आप वो चीज करें कि हाँ इनको शायद पसंद होगा वो चीज, मुझे नहीं पसंद ये चीज, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है मुझे मस्का लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए दूसरे किसी स्टूडेंट की, दूसरे किसी टीचर की या दूसरे किसी बुक राइटर की या किसी की भी बुराई करें। देखो जो भी करता है अपनी मेहनत पूरी तरीके से करता है। ये पैटर्न होते हैं अलग अलग, किसी के पढ़ाने का पैटर्न क्या है, किसी का क्या है, तो ये क्या है, आप लोग अपनी अपनी तरफ से धारणा बनाते हो, जबकि शिक्षकों के लिए स्टूडेंट जो है समान ही रहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्लियर रखें, आप लोगों को आगे बढ़ना है तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, सकारात्मक रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है और नहीं देखनी है। ठीक है, जो अच्छाई लग रही है आपको वो ग्रहण करें, नहीं लग रही कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो शिक्षक आप जैसा पढ़ना चाह रहे हो वैसा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन पढ़ा तो रहा है, उसका पैटर्न वो है, बुराई नहीं करनी किसी चीज की। ठीक है, सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं। आप मेरे से पढ़ो, आपको अच्छा समझ में आ रहा पढ़ो, लेकिन आप सिर्फ पढ़ो ना, आप फिर
किसी और को नीचा दिखाने की या बुराई करने की कहां आवश्यकता पड़ती है। कई बार मैं देखता हूं ऐसी चीज करते हैं स्टूडेंट, ये सही नहीं है। ठीक है, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, वैसे ही मैं मान लेता हूं। आप जो यदि कैसे कोई अच्छा कमेंट भी करना था डायरेक्ट करो, किसी की बुराई करते हुए, किसी कोचिंग की बुराई करते हुए, किसी शिक्षक की बुराई करते हुए यदि आप कमेंट करो तो ये ना आपको शोभा देगा ना पढ़ते हुए हमें शोभा देगा, है ना। इस चीज को क्लियर रखना कभी भी। चलो नेक्स्ट देखो अब क्या है, इसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा कैसे। ठीक है, इसका नाम रेडक्लिफ रेखा कैसे पड़ा, तो अपन सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो अपना भारत भी जो है उसका विभाजन हो गया, दो देशों में बट गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब बांग्लादेश जो बाद में अलग हुआ है 1972 में पाकिस्तान से अलग हुआ है, वो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ और निर्धारण करने का जो काम सौंपा गया वो सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया। उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, उसको सौंपा गया कि आप लोग को, आपको जो है सीमा का विभाजन करना है। हालांकि बहुत जबरदस्त जो है उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी जो अपने से देखी नहीं जाए, बहुत कत्लेआम हुए, बहुत सारी चीजें जो आप सभी जानते हो विभाजन की त्रासदी। ठीक है, उन चीजों से थोड़ा सा अलग हटके अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने काम की चीज क्या है। तो देखो 1947 में रेडक्लिफ लाइन से बटे भारत और पाकिस्तान बटे हैं, उसका नाम रेडक्लिफ इसी कारण पड़ा है। देखो लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रेडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी, यानी कि लाइन मतलब एक सीमा रेखा तो होनी चाहिए कि इसके इस तरफ पाकिस्तान होगा, इसके इस तरफ भारत होगा, वो चीज यहां से बटी। रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, यही रेडक्लिफ लाइन है। अब देखो वैसे रिपोर्ट इसकी मतलब जो सीमा निर्धारण एक्चुअली जो है ना वो 14 अगस्त को ही हो गया था। ठीक है, 14 अगस्त को हो गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है ना, इसकी रिपोर्ट 17 अगस्त को पेश की गई, रिपोर्ट 17 अगस्त को पेश की गई, इसलिए 17 अगस्त से इसका निर्धारण माना जाता है। तो ये चीज दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। हालांकि ये राजस्थान की जीके से संबंधित पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपने को कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने ये चीज बता दी आप लोगों को। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे बता रखा है रेडक्लिफ और यहां भी बता रखा है। ठीक है, तो ये उस समय हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और ये पाकिस्तान कहा जाता है या पश्चिमी पाकिस्तान, जो 1972 के अंदर फिर बांग्लादेश अलग देश बन गया। और बांग्ला मतलब त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो जीरो लाइन कहलाती है। अपना जो भारत का त्रिपुरा है और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो जीरो लाइन कहलाती है, बाकी रेडक्लिफ ही ये लाइन है। ठीक है, तो रेडक्लिफ से ही भारत पाकिस्तान ये अलग होते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपन वापस अपने मुद्दे पे कि अपने जो है देखना वो कौन सी है रेडक्लिफ, ये 1070 किलोमीटर वाली। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये जो 1070 किलोमीटर है ये कितनी है, 1070 किलोमीटर है, ये अपनी कुल स्थलीय सीमा जो है उसका कितना परसेंट है, तो उसका 18 पॉइंट कितना है, 18.07% है। ये क्या है 18.07, यहां लिख लेता हूं मैं, कुल राजस्थान की, हाँ राजस्थान की कुल स्थलीय, कुल स्थलीय सीमा का भाग। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है यदि यहां से बना, कि जो देखो प्रश्न की लैंग्वेज यदि बनी तो कैसी बनेगी, प्रश्न की लैंग्वेज ये बनेगी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल स्थलीय सीमा की कितनी प्रतिशत है। अब देखो परसेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, 1070 जो है आप लोगों को पता है 5920 में से 1070 का परसेंट निकाल देना। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे गणित में कमजोर होंगे, तो अगर गुरु जी कहीं परसेंटेज गलत हुआ तो डायरेक्ट याद कर लो 18.07% है, बता दिया मैंने तो भाई, है ना। ये अच्छा प्रश्न है, ये इससे पहले मैंने कभी क्लास में नहीं बताया, वन लाइनर में दिया था मैंने, जितनी वन लाइनर आई थी उन सभी में दिया था ये फैक्ट भी। ठीक है, लेकिन क्लास में मैं नहीं बता पाया था, जो यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ 18.07% ध्यान रखना 1070 किलोमीटर जो है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब आइए मेन स्लाइड। देखो इन चीजों में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेते हुए मजे लेते हुए पढ़ेंगे तो मजेदार तरीके से याद रहेंगे और बोझ नहीं रहेगा। भूगोल जो इतना कठिन समझते हो ना आप, भूगोल इतने समय से आप कर रहे थे, मैंने कहा था क्लासेस शुरू करूंगा उसके बाद में आप लोगों के हर चीज जो है इजी होती चली जाएगी, बस कंटिन्यू रहना। ठीक है, अब देखो जहां से प्रश्न बनेंगे जहां से नहीं बनेंगे सब चीजें बताऊंगा, धैर्य के साथ में सुनते रहो। ठीक है, अब भागवत है नहीं, 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे भी आहुल लिया करो थे। ठीक है,
ठीक है। अब देखो चीज, अब प्रश्न बनने शुरू होंगे, पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत यानी कि अपने यहां पे अपन कहें राज्य, जैसे राजस्थान सीमा बनाता है, गुजरात बनाता है, पंजाब बनाता है, अपने जानते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जो है कितने प्रांत सीमा बनाते हैं, यानी वहां पे कह दिया प्रांत, तो पाकिस्तान के दो प्रांत सीमा बनाते हैं, ठीक है, दो प्रांत सीमा बनाते हैं जिसमें से एक है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत, ठीक है, कितने बनाते हैं, दो प्रांत बनाते हैं। अब इन दो प्रांतों में जिले हैं अलग अलग, ठीक है, इसी चीज को यहां पे अपने को समझना है कि जो पंजाब प्रांत है उसके अंदर देखो पंजाब में, देखो पंजाब क्या है, पंजाब क्या है, पंजाब पांच नदियों का आब क्षेत्र है, उसे ही पंजाब कहा जाता है भाई, दो नदियां हैं, दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र है आब क्षेत्र, उसे कहा जाएगा दो आब, इसे कहा जाता है पंजाब के पांच नदियों का आब, सतलज रावी सिंधु वगैरह ये सब है ना, पांच नदियों का आब क्षेत्र, इसलिए पंजाब कहा जाता है, यानी नदियां क्या करेगी, बहेगी, बहेगी या बहाएगी, तो बहा बहा, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है, बहावल नगर और बहावलपुर, बहा बहा पंजाब में जाएगा, ठीक है, और बहा बहा कह दिया तो कह रहम कर भाई रहम कर, ठीक है, बहा बहा के कितना ले जाए, रहम कर भाई रहम कर, तो बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खानपुर, रहमियार खान भी कह दिया जाता है, रहमियार खानपुर भी कह दिया जाता है। अब यहां पे आप लोगों को ये ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये चीज, अब इसमें तो दो ही तो प्रांत है पाकिस्तान के भाई, दो ही तो प्रांत है, नौ जिले बनाते हैं, ठीक है, दो प्रांत और इन दो प्रांतों में नौ जिले, जिले पूछे तो नौ है, प्रांत पूछे तो दो है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अपन, पहले पाकिस्तान को निवेड़ देते हैं पहले ही, ठीक है, निपटा देते हैं इसको, उसके बाद में अपन राजस्थान में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, राजस्थान की चीजें पढ़नी है, पाकिस्तान को निपटा देते पहले, ठीक है। चलो तो देखो पंजाब याद कर लोगे, पंजाब प्रांत याद कर लोगे, सिंध याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रहेगी, नौ जिले हैं ये याद रखना, दो प्रांत है ये याद रखना, पंजाब और सिंध, पंजाब क्या करेगा कि नदियां जो है बहा कर ले जाती है, तो बहा बहा कर ले जा रही थी, तो क्या रहम कर भाई रहम कर, ठीक है, तो रहमियार खानपुर, यानी तीन जो है इसमें चले गए, बाकी बचेंगे छह, वो इधर आएंगे। अब इधर जो है ज्यादातर छोटे छोटे तीन तीन अक्षरों के नाम है, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, यानी कि ये आप लोगों को सिंध में है याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पंजाब में आप लोगों ने याद कर लिए, क्यों याद कैसे किए हैं मुझे बता दो, भूल गए आप, देखा बहा बहा भाई, बहावल नगर, बहावलपुर, ठीक है, और उसके बाद में क्या है अपने रहम कर भाई रहम कर, रहमियार खानपुर, तो ये पंजाब वाले याद है ये। अब इसमें क्या है ध्यान रखना, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये वहां आएंगे तो आप लोगों ने देख लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, आप लोगों को याद रहेगा। अब इसके अलावा मुझे बताओ कि आ गया लाहौर तो आप अलग कर लोगे, आ गया कराची आप अलग कर लोगे, आ गया इस्लामाबाद आप अलग कर लोगे, आ गया मुल्तान आप अलग कर लोगे, बस यही चीज है, रटना नहीं है, चीजों को जिस तरीके से याद करना चाहिए वैसे ही। अब आप रटने बैठोगे ना, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, कई जना यू रट्टो लगावे, और रट्टे लगाने में आ ही तरीको है, वही है कि ये ऐसे ऐसे पता नहीं ऐसे हिलने से जमता है दिमाग में कि पता नहीं क्या, कई जना मतलब बैठ के मैं देखता हूं, मैंने देखे हैं कई, बहुत अनुभव लिया है छोटी सी उम्र के अंदर, ठीक है, तो रट्टा लगाने की प्रवृत्ति यही होती है, कोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थारपारकर, देखो ऐसे करते हैं। अब पता नहीं वो एक एक जिला पीछे जा जाके पता नहीं जमरा है या पता नहीं, तो रटना नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है, रटन तो विद्या को छोड़ देनी है, सीधे देख लिए नाम इतने पढ़ लिए, मैंने इतनी बार बोल दिया अरे ये रटन तो विद्या रे एक्टिंग करने चक्कर में दो तीन बार बोल दिया है, तो थान याद उजिए, आवाज पक्की है, कन्फर्म है कि भाई मैंने इतनी बार बोल दिया आपको याद हो गया है, ठीक है। अब चलो फिर भी याद नहीं हुआ, आप लोकेशन देख ले थोड़ी सी, मैप पे आ जाओ भाई, दूसरा तरीका भाई, इसकी ट्रिक मैं यहां बता चुका हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिसने सुना है वो। अच्छा एक ये नए छोरे छोरियां कमेंट करते हैं, गुरुजी नीचे जो है आपके ये आप बोलते हो वो लिखा हुआ आता है उसे हटा दिया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेने में समस्या आती है। अरे बेटा अरे बेटी आप लोग जो है वीडियो को पूरा प्ले किया करें, ये किसके आती समस्या पता, ऊपर से जो देखते हैं सिर्फ वो म्यूट वाला खोल देते हैं, ऊपर से देखते हैं उसको प्ले करते ही नहीं है, प्ले नहीं करते हैं तो वो जो है नीचे सबटाइटल चलाता है, चलाएगा वो, तो आप लोग प्ले नहीं कर रहे तो वो सबटाइटल चलाएगा। अरे भैया वीडियो खोलने की जरूरत है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं तो उसे चालू करता हूं नहीं बंद करता हूं, ये YouTube करता है अपने आप सारी चीजें, ठीक है,
कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं गुरुजी एड ज्यादा भी आती है तो यूट्यूब लगाता है। अच्छा, किसी का चैनल मोनिटाइज नहीं भी है ना, उसके भी एड आएगी, देख लेना। क्यों आती है? क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसियां कई सारी चेंज होती है, आती है अपने आप, कई बार हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज किसी को ज्यादा ही वो समझ गया गुरु जी क्या एड आ गई, हमारे नहीं आनी चाहिए, आप चाहे पैसे ले लो एड, भाई पैसे मेरे को नहीं देने, आप लोगों को एड नहीं चाहिए तो यूट्यूब का प्रीमियम वर्जन आता उसमें चले जाओ, यूट्यूब को देने होते पैसे दे दो उसको, आपके एड एक ही नहीं चलेगी। अरे कई सारी चीजें हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ ले और नहीं पढ़ने वाला कई नाटक है, ठीक है। तो ये चीजें कोई आप लोग खुद यार होशियार बनो, सारी चीजें को मास्टर को बताए। हम तो कहते हो गुरु जी मैं तो गोड़ो भरने को ना आवे अपने ओएमआर शीट में, तो गोड़ा भरने के मास्टर आए आपको ही भरने हैं। देखो कितनी है 1070 18.07% वापस बता देता हूं यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ ये कोणा गांव जो लिखा हुआ है, ये कोणा गांव जो है ये इसकी ऊपर से नीचे की दूरी वाला है, ठीक है, इसको मत मान लेना। यहाँ जो शुरू होगी वो तो हिंदुमल कोट से ही होगी, कहा होगी हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर सागर तक जाएगी अपने। तो देखो यहाँ पे जाएगी, देखो बहावल नगर पंजाब के अंदर, देखो बहावल नगर बहावलपुर रहमियार खान या रहमियार खानपुर कह दिया जाता है, तो ये पंजाब प्रांत के अंदर आ गया। अब फिर अपने कौन सा प्रांत था, सिंध प्रांत, तो सिंध में देखो गोटकी खैरपुर संगर उमरकोट थार पारकर, ठीक है ये आ गए ना, और ये रहा सुकुर, सुकुर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है मैं भी देखियो कट गयो, यहाँ लिखा हुआ है सुकुर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुल मिला के संख्या ध्यान रखना 9 है, ठीक है 2/9 ऐसे ध्यान रखना, 2 तो है प्रांत और 9 है जिले, ठीक है। ये पाकिस्तान पाकिस्तान के अपन ने निपटा दिए हैं, यहां पे भी देख लो, यहां पे देख लो, मैप पे देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। यानी पाकिस्तान की साइड वाला मामला पूरा कर दिया है। अब अपन चलेंगे अपने भारत की साइड यानी कि राजस्थान की साइड। आओ भाई देखो अब क्या पढ़ा कि राजस्थान की साइड वालों पढ़ा गुरु जी, ठीक है। तो राजस्थान की साइड वाले जो है 6 है, यदि फलोदी की सीमा यहां लिख दूंगे, चलो टंटाई मेट देते हैं, यहां लिख ही देते हैं, यदि एक टाइम थोड़ा ही लगेगा बाकी यहां आपके टंटाई मेट देते हैं, यदि फलोदी की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगेगी तो इनकी संख्या 5 होगी। अब कई जना कह दे अजी विद्वान देखो कह यार, अजी कई जना कह क्या कह गुरु जी आपको पता ही नहीं क्या कि फलोदी की लगेगी। अरे भैया हमने तो इतने इसमें मतलब समय गवाया है जितना तो किसी ने गवाया ही नहीं, इतना इसमें मतलब हमने तो यहाँ के पटवारी तक से बात कर ली, बोलो और तो क्या करेंगे। और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं ना ये चीजें अस्पष्ट ही है, क्यों है, क्योंकि सरकार ने नया नक्शा जारी नहीं किया, सरकार का नक्शा वही चल रहा है, जबकि वहां के पटवारी साहब वहां के ग्राम सेवक साहब सभी कह रहे हैं गुरु जी हमारे तो फलोदी छू रही है पाकिस्तान को सीमा, या देर सवेर ही सही लेकिन संशोधित करके निकालेंगे नक्शा। इसीलिए ये चीज साथ साथ में मेंशन करवाई है, ठीक है, कि ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनको कोई इलाज नहीं है, इनको वही इलाज है कि दो चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कितनी है जिले की सीमा, मतलब कितने जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, 6 जिले बनाते हैं। अब कौन कौन से, श्रीगंगानगर से शुरू कर रहे हैं, अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर बाड़मेर, मतलब यदि ये देखोगे तो ये क्रम भी है, यदि क्रम पूछ ले तो भी ये क्रम भी है। कैसे है क्रम, आओ मैप पे देखो, श्रीगंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर फलोदी जैसलमेर बाड़मेर है कि नहीं क्रम, यदि क्रम से पूछे तो आप लोगों के यही क्रम है जो मैंने लिखा है, यदि क्रम से नहीं पूछे और आपको सीधा सीधा याद ही करना है कि गुरु जी हमें तो याद हो जाए वो खूब है कि पाकिस्तान से इतने जिले सीमा बनाते हैं, तो देखो बढ़िया ट्रिक नहीं बनाई है कि अपनी एसबीबी जे फले फूले, क्या है अपनी एसबीबी जे फले फूले। अब एसबीबी जे लगभग लगभग सबके अकाउंट होते हैं एसबीबी जे के अंदर, ठीक है, कि अपनी एसबीबी जे फले फूले। अब एसबीबी जे एसबीआई में चलेगी तो वो मैटर नहीं है कि गुरुजी उसमें चलेगी, अरे अपने ट्रिक में तो लिख सकते हैं ना, तो अपनी, अब अपनी, अपनी के अंदर आप देखो कि अनूप, तीन अक्षर जो है अपनी कह दो या अनूप कह दो, तीनों अक्षर मैच होंगे, तो अपनी जो लिखा है इससे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अनूपगढ़, एक तो क्या सीमा बनाता है अनूपगढ़,
ठीक है। अब एस से श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अच्छा, एक बी से तो आप लोगों के बीकानेर, और एक बी से आप लोगों के बाड़मेर, ठीक है। और इस जे से क्या आएगा, जैसलमेर, जैसलमेर। और इस फर्स्ट फले से फलोदी। लियो भाई, होगी अपने काम पूरा। क्या है अपनी एसबीबी जे, फले फूले, फले फूले इसलिए कह रहा हूं पीछे क्योंकि ये बोलने में ठीक रहता है, अपनी एसपीबी जे फले फूले। अब कोई जना कहते गुरु जी अपनी जो है जमा नहीं सब, वैसे तो जम गया है, लेकिन कई जना क्या है कि देखो लाखों लोग देखते हैं तो एक दो हमें जो है उल्टे दिमाग के भी मिलते हैं, तो भाई नी जमैन जिन्हें वो यूं कर लीजिए, अनूप की एसपीबी जे फले फूले, क्या कर देना अनूप की, अपनी छोड़ो अनूप की रहने दो, अनूप की एसपीबी जे फले फूले, ऐसे करते हो अनूप अनूपगढ़ तो जम जी है, और तो क्या करा तेरे वास्ते, तो अनूप की एसबीबी से फले फूले यूं कर दिए। कुल मिलाकर एक दो तीन और एक दो तीन छह जिले जो है वो निकलने चाहिए, ठीक है। अब देखो जब अपन उस समय जैसे इससे पहले 33 जिलों वाला ज्योग्राफी पढ़ते थे, उसमें अपन सीमा भी पढ़ते थे कि भाई 468 किलोमीटर इसकी लग रही है, 228 इसकी लग रही है, ठीक है, ये पढ़ते थे इस तरीके से, 464 इसकी लग रही है, जो भी। लेकिन अब ये नहीं पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि इनकी सीमाएं अभी आई नहीं कि इसमें से कितनी सीमा इसके अंदर गई, इसमें से कितनी सीमा इसके अंदर गई, ये वाली जो चीजें हैं वो आई नहीं, स्पष्ट हुई नहीं, इसलिए इन चीजों को जो है अभी अपन को नहीं पढ़ना है। तो क्या गुरु जी कब पढ़ना है, ये तब पढ़ना है जब सरकार इसके ऑफिशियल डेटा जारी करेगी, जब अलग अलग जिलों के क्षेत्रफल जारी करेगी, ठीक है, जब आर्थिक समीक्षा में भी बहुत सारे डेटा आएंगे, तो जब ये चीजें क्लियर होगी, सीमाएं क्लियर होगी, तभी पढ़ना है। अपन अपने हिसाब से नहीं तोड़ सकते यहाँ कि ये फलोदी इतना टूट के इसमें आया है, क्योंकि ये फिर इसमें क्या होगा, सीमा तय नहीं। यदि मैं बुक भी दूंगा उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सीमा तय नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे अपन नहीं जा सकते इनके ऊपर, है ना। तो ये चीजें अभी जो है ये यहीं पे रखनी है। अब जैसे क्लियर हो जाएगी आप लोग टच में रहो, 100% आप लोगों को करवाऊंगा और बिना कहे करवाता हूं, ये चीज आपको पता है। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो अभी ध्यान रखना है, यानी अभी जितना पढ़ा रहा हूं आने वाले एग्जाम के लिए वही पर्याप्त है, जितने डेटा सामने आ जाएंगे वो सारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके अलावा जो है देखो, मन से जो तोड़ ताड़ के कोई पढ़ाते तो वो मैं नहीं कह सकता, बाकी मन से तोड़ ताड़ के जो है मैं नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को कि ये भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है, वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो फैक्ट और बनते हैं वो अपन देख लेते हैं, जहां जितने बन रहे और जितने डेटा क्लियर है वो अपन को देखना है ज्योग्राफी में, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, देखो चाहे रेड क्लिफ माते पूछ लो, चाहे कर्क रेखा माते पूछ लो, सबू बड़ो यदि पूछे ना तो भारत में सबू बड़ो अपन राजस्थान है, और के भी रेखा माते राजस्थान आयो तो वह राजस्थान ने ही आगे राखड़ो है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य आएगा, राजस्थान आएगा, कौन सा आएगा, राजस्थान। अब नेक्स्ट क्या, रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, तो यहां पे आएगा अपना पंजाब, रेड क्लिफ पर सबसे छोटा कौन सा आएगा, पंजाब आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रेड क्लिफ पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो यहां पे जो है अपन बिल्कुल लिख सकते हैं जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर न सिर्फ रेड क्लिफ पर बल्कि पूरे राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और रहेगा, क्योंकि इसमें से फलोदी जो है थोड़ा सा नोक तहसील वाला क्षेत्र हटाया तो उससे जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्यादा घटने वाला नहीं है, बड़ा तो आखिर में वो रहना ही रहना है, तो जैसलमेर बड़ा जिला रहेगा। अब देखो रेड क्लिफ पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो देखो श्री गंगानगर में से अनूपगढ़ निकल गया है, पहले श्री गंगानगर जितना था उसमें से अनूपगढ़ निकल गया है, तो यहां पे अपने को ध्यान में रखना है कि ये आएगा आप लोगों के श्री गंगानगर। अब यहां पे मैं आप लोगों को ऑब्लिक लगा रहा हूं, श्री गंगानगर ऑब्लिक अनूपगढ़। अब कैसा ऑब्लिक है, हम किसे करेंगे सही, यदि दोनों आ गए तो दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे कब, यदि दोनों आएंगे कब, जब इनके ऑफिशियल डेटा क्षेत्रफल के आ जाएंगे तब दोनों आएंगे, उससे पहले दोनों नहीं आने हैं साथ में, ठीक है। और ऑफिशियल डेटा आएंगे तो मैं तुरंत बता दूंगा आप लोगों को, बढ़िया आपने जैसे भी क्लास है तुरंत ही अपडेट देके आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पे ऑब्लिक के साथ में ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब देखो रेड क्लिफ पर निकटतम जिला मुख्यालय क्या है, रेड क्लिफ पर यानी कि रेड क्लिफ से छूते हुए, अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूते हुए जितने जिले हैं
उनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, ये चीज यहां पे पूछी गई है। तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अब आ जाएगा अनूपगढ़, कौन सा आ जाएगा, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आएगा, अनूपगढ़ आएगा, यदि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछे तो। क्या है रेड क्लिफ पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है बीकानेर। रेड क्लिफ पर सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछे तो बीकानेर, नजदीक पूछे तो अनूपगढ़। यहां पे एक प्रश्न में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, क्या है, रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, यहां बाकी सब में क्या है रेड क्लिफ पर यानी कि रेड क्लिफ पे छूते हुए हैं, और रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर सिर्फ एक शब्द बदला है अंदर से, लेकिन उसके मायने बदल गए, उसके उत्तर बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, पता ही नहीं चला, ठीक है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, मतलब पता ही नहीं चला। तो देखो रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो फिर आएगा धौलपुर, क्या आएगा धौलपुर, क्योंकि यहां पे क्या आया है से पर नहीं आया, यानी कि अब रेड क्लिफ से दूर कितना है, सबसे दूर धौलपुर है, ठीक है, बाकी पर थे यानी कि रेड क्लिफ से छूते हुए होंगे वो सारे। तो ये चीजें जो एक्स्ट्रा आप लोगों को ध्यान में रखनी है रेड क्लिफ रेखा से संबंधित, तो ये सारी मैंने इसमें बता दी, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ में भैया आपने ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाली क्लास पूरी हुई, हालांकि मैंने कहा था कि शॉर्ट होगी, लेकिन फिर भी जो 31-32 मिनट की हो गई है क्लास, ठीक है। अब कल आएगी आपके अंतरराज्य सीमा वाली, उसमें ट्रिक बहुत सारी होने वाली है, क्योंकि अंतरराज्य में फिर भाई पंजाब के कौन से छू रहे हैं, अपने कौन से छू रहे हैं, उनकी पंजाब के भी ध्यान रखने हैं, अपने भी ध्यान रखने हैं, हरियाणा के कौन से हैं, अपने कौन से हैं, यूपी के कौन से, अपने कौन से हैं, मध्य प्रदेश के कौन से, अपने कौन से हैं, गुजरात के कौन से, अपने कौन से हैं, इस तरीके से। तो विद ट्रिक और अच्छे तरीके से अपन याद कर लेंगे इनको भी कल, विद मैप, विद ट्रिक जो भी है, और साथ साथ में आप लोग ये जो मेरे तरफ देख रहे हो दोनों तरफ राम लखन, ये ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज दे रखी है, इनसे अभ्यास जारी रखना, जितना अभ्यास करते रहोगे, जितना आप इसमें पारंगत हो जाओगे, उतना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो साथियों अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।